जय माता दी फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड बुक ऑफ फेरी क्वीन दैट बाय एडमंड स्पेंसर एंड दिस बुक थर्ड इज बेस्ड ऑन चेस्टिटी। चेस्टिटी मीन्स प्योरिटी, आप ये कह सकते हो कि शुद्धता, अस्तित्वता। सो चेस्टिटी का मतलब जैसा कि बताया है कि प्योरिटी होता है, और इस प्योरिटी को इस बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया है ब्रिटो मार्ट के थ्रू। ब्रिटो मार्ट जो है वो एक फीमेल नाइट है, और आप कह सकते हैं इस बुक की हीरोइन है, और ये जो है ये चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करेगी। चेस्टिटी किस वे में, क्योंकि ये लव करती है आर्टिकल से, और जो कि इसकी जो थ्रू आउट द बुक इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये अपने लवर के लिए क्या क्या करती है, कि मतलब उसको ढूंढ रही है, सर्च कर रही है वो, और साथ ही साथ जो इसकी पावर है ब्रिटो मार्ट की, वो इसकी चेस्टिटी की वजह से ही है। कुछ जो इविल पावर्स हैं वो इसीलिए इससे दूर हो जाती हैं, क्योंकि ये प्योर है, और इसलिए इसके अंदर इतनी पावर है कि बहुत सारे इविल पावर्स को तो वैसे ही हरा देती है। तो अगर हम सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ 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 फ्रेंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द कैरेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटो मार्ट मीन्स अ फीमेल नाइट द एम्बॉयमेंट एंड चैम्पियन ऑफ चेस्टिटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर सी रिप्रेजेंट चेस्टिटी इन दिस बुक एंड एज वी नो दैट दिस बुक इज बेस्ड ऑन चेस्टिटी। लाइक इन बुक वन Holiness is there, book 2 temperance is there, and here is the we are going to discuss the third virtue in the book 3, that is chastity. And she is young and beautiful and she loves article. अब हम ग्लॉन्स की बात करें, तो जो ग्लॉन्स है वो इसकी नर्स है, अटेंडेंट कह सकते हैं, नर्स कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, who travel with her means ये start जब बुक होती है तब ब्रिटो मार्ट ग्लाउंस के साथ में ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है आर्टिकल को ढूंढने के लिए। आर्टिकल कौन है, ये भी एक नाइट है जो जस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये इसको ढूंढ रही है थ्रू आउट द बुक। मर्लिन जो है ये एक विजार्ड है। इन आर्थरियन लेजेंड हिज मैजिक मिरर गिव्स ब्रिटो मार्ट द विजन ऑफ आर्टिकल विच कॉज हर टू फॉल इन लव। अब अगर हम ये बात करें कि ब्रिटो मार्ट है वो आर्टिकल को क्यों ढूंढ रही है और उसे उसको लव हुआ कैसे, तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि एक मर्लिन नाम का एक विजार्ड है जिसने उसके फादर को एक मैजिक मिरर दिया था। उसके अंदर आप फ्यूचर भी देख सकते हो, तो उसी मैजिक मिरर में एक बार ब्रिटो मार्ट ने आर्टिकल को देखा, उसका फ्यूचर हस्बैंड, तो उससे उसको लव हो जाता है और वो उसको ढूंढने में लग जाती है और उसके ख्यालों से वो बाहर नहीं आ पाती है। तो ये जो मैजिक मिरर था वो कहाँ से आया था, मर्लिन के थ्रू, ठीक है। तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है फ्रेंड्स इस बुक के अंदर, इसीलिए बताया गया है कि वो जो मैजिक मिरर था वो मर्लिन ने दिया था। अब कैमोएंट की बात करें, तो कैमोएंट जो है एक सी निफ है, जो इसको हम कैमोडॉक भी कह सकते हैं। ये मर्लिन मैरिनल्स की मदर है। यहाँ पे मर्लिन और मैरिनल अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। मर्लिन का तो बस इतना ही रोल है कि वो मिरर जो ब्रिटो मार्ट ने जिसमें आर्टिकल को देखा था वो मर्लिन के थ्रू आया था, लेकिन मैरिनल का थ्रू आउट इसके अंदर बुक में डिस्कस होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैरिनल है वो कैमोंट का बेटा है और ये फ्लोरमिल से लव करता है। तो ये भी जो मैरिनल है ये एक नाइट है, डिसेंडेंट फ्रॉम ए मैन एंड ए सीनिफ, क्योंकि जो इसकी मदर एक सीनिफ थी और इसका जो फादर था वो एक नॉर्मल मैन था, तो ये उनसे पैदा हुआ था। तो ब्रिटो मार्ट उसको वुंड कर देती है जब उसको पता नहीं होता, ही इवेंचुअली बिकम फ्लोरमिल्स लवर, लेकिन ये फ्लोरमिल से लव करता है और बाद में इसकी हेल्प भी करती है। लेडी इन लव विद द नाइट मैरिनल, जैसा कि मैंने बताया मैरिनल से लव करती है फ्लोरमिल, एंड हु इनिशियली रिजेक्ट हर, क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया था मैरिनल ने, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि किसी भी लेडी के चक्कर में पड़ना तुम्हारे लिए हार्मफुल हो सकता है। अब हम अगले कैरेक्टर की बात करें, तो वो है क्रिसोगोनी। वो
कौन है एमोरेट और बेल्फोबी की मदर हैं। इसमें एमोरेट और बेल्फोबी का भी रोल है काफ़ी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसकी मदर हैं। अगर फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक हो जाए प्रोनंसिएशन में, सो सॉरी फॉर दैट। एमोरिटा जो है, यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिस्टेक है, एमोरिटा में इधर ज़्यादा टी है, वन मोर टी। द बिथ्रोड ऑफ स्कमंडर, तो स्कोडमर है इसकी, ये मंगेतर थी, लेकिन जिस दिन स्कूडमर से इसकी शादी होने वाली होती है उसी दिन ब्यूसीरेन इसको किडनैप कर लेता है वेडिंग नाइट को ही, और बाद में एट द एंड इसको ब्रिटोमार्ट बचाती है। सो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो हम पहले फटाफट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बेल्फोबी जो है, जैसा कि मैंने बताया था, ये एमोरिट की बहन है, ट्विन है। तो स्किल्ड चार्स हंटर्स हु लिव्स इन द वुड्स, जिसकी बात हमने पहले भी बुक में की है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं बुक वन और बुक टू के, तो उसमें देख लीजिए, उसमें बेल्फोबी की बात है। वो एक हंट्रेस है और वो फॉरेस्ट में रहती है, और ऑफ कोर्स सी इज ब्यूटीफुल। स्कूडमोर की बात करें तो जैसा यहाँ पे बताया था मैंने, एमोरेट या एमोरेटा जो भी है, मतलब हम एमोरेट भी है कई जगह पे इसको लिखा हुआ और एमोरेटा भी कहते हैं, तो ये इसका लवर है। बुक में देखा जा रहा है कि और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं छोटे बड़े, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। अब हम औरों की बात कर लेते हैं, जैसे एडोनिस कौन है, वीनस का लवर है। वीनस कौन है, गॉडेस ऑफ लव, जिसके पास एमोरेट रही थी, क्योंकि वीनस ने एमोरेट को पाला था उसकी मदर के पास से। जब ये दोनों ट्विन सिस्टर्स जो हैं वो चली जाती हैं, कौन लेके जाता है एमोरेट को, तो वीनस लेके जाती है, और बेल्फोबे को डायना बड़ा करती है। तो इसलिए बेल्फोबे एक हंट्रस बनती है और एमोरेट को स्कूडमर से प्यार हो जाता है। क्यूपिड जो है वो एक विनस, वो विनस और एडोनिस का सन है, लेकिन इसी को ढूंढने के चक्कर में विनस और डायना उसके पास में जाती हैं एमोरेट, और उसको देखती हैं बेल्फोबे को जब वो जन्म लेती हैं और फिर अपने साथ में ले आती हैं। डायना, जैसा कि मैंने बताया, गॉडेस ऑफ द हंट हु रेजेस बेल्फोबे, जिसने बेल्फोबे को बड़ा किया था। पैलाडाइन की बात करें तो पैलाडाइन जो है फीमेल नाइट है, और ये स्केयर कैप्चर्ड बाय अर्गांटे। अर्गांटे ने एक स्केयर को पकड़ लिया था, उसको छुड़ाने की कोशिश करता है पैलाडाइन, सॉरी करती है। सो पैलाडाइन जो है शी इज द फीमेल नाइट हियर। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटियस। प्रोटियस जो होता है वो सी गॉड होता है। इसने मतलब फ्लोरमिल को बचाया तो होता है सेलर से, लेकिन फिर उसके बाद में ये खुद भी फ्लोरमिल के पीछे पड़ जाता है। मेलबैको जो है एक ओल्ड मैन है, जो अपनी मतलब रिचनेस को, मतलब जो पैसा है और उसकी जो वाइफ है हेलेनोर, उसके ऊपर गार्ड करता रहता है हमेशा। वो इन दोनों चीज़ों को बचा के रखना चाहता है। वो काफ़ी रिच है, उसके पास धन है, और वो अपनी जो वाइफ है उसको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देता है, जिसका नाम हेलेनोर है। तो जो हेलेनोर के जिक्र आएगा, दैट मीन्स वो मेलबैको की वाइफ है। मेलिकास्टा की बात करें तो द रूलर ऑफ कासल जॉयस, जब कासल का जिक्र आएगा स्टोरी में, उसका मालिक कौन है, मेलिकास्टा। पैरिडल कौन है, पैरिडल है एक नाइट हु ब्रीफली फॉल्स इन लव विद हेलेनोर। पैरिडल का बाद में हमें पता चलता है कि मेलबैको को से वो छुटकारा पा लेती है हेलेनोर, और पैरिडल के साथ में चली जाती है वो। बाद में क्या होता है वो हम स्टोरी के टाइम में डिस्कस करेंगे। अब हम अगली कैरेक्टर की बात करें तो वो है टीमियस। टीमियस जो है वो आर्थर का स्क्वायर है, मतलब अटेंडेंट है, उसके साथ में रहता है। तो किंग जो ऑर्थर हैं, अल्टीमेट हीरो ऑफ द पोएम। फोस्टर जो है एक विक्ड क्रिएचर है यहाँ पे, जो फ्लोरमिल के मतलब फ्लोरमिल के पीछे पड़ा रहता है स्टार्टिंग में ही, जब बुक की स्टोरी स्टार्ट होती है। हेलेनोर, जैसा कि मैंने बताया, मेलबैको की वाइफ होती है, ये उसको छोड़ के सेटायरस को ज्वाइन कर लेती है। सेटायरन कौन होता है, एक सन ऑफ ह्यूमन एंड ए स्टायर, एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ गोड क्रिएचर होता है जो स्टायरन, और आप कह सकते हो कि ये नेचर गोड है, काफ़ी हेल्पिंग है अच्छे लोगों के लिए। अर्गेंटा कौन है, जैसा कि मैंने बताया, एक जाइंटस है अर्गेंटा, और उसने स्केयर ऑफ डैम्स को पकड़ लिया था, जिसको पैलाडाइन ने छुड़वाया था। ओके,
तो अर्गेंटा से पैलाडाइन ने किसको छुड़ाया था? स्क्वायर ऑफ डैम्स को. ओलिफेंट जो है, ओलिफेंट भी एक जायंट है और ये किसका ब्रदर है? अर्गेंटा का. अर्गेंटा भी यहाँ पे एक इविल करेक्टर है और यहाँ पे ओलिफेंट भी वही है, ये दोनों भाई हैं. और स्क्वायर ऑफ डैम्स जैसा कि मैंने बताया था, इसको मतलब पकड़ा था अर्गेंटा ने, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है साथ ही साथ जिसको हुज लवर चैलेंज हिम टू वू वूमेन, मतलब उसको चैलेंज किया था कि जितनी वूमेन को एज मच एज पॉसिबल तुम करके दिखा सकते हो उतने तुम वू करके बताओ हमें वूमेन को. ट्राइफोन की बात करें तो ट्राइफोन एक सी गॉड है जिसने मैरिनल को हील किया था. और साथ ही साथ हम अगला कैरेक्टर की बात करें तो एक और कैरेक्टर है एट द एंड हमारे इस बुक में सामने आएगा, ब्यूसीरेन. जो ब्यूसीरेन है ये एक इविल सोर्सर है, इसने एमोरेट को वेडिंग नाइट पे किडनैप किया था. तो किसने किडनैप किया था? इसको ब्यूसीरेन ने किया था, एमोरेट या एमोरेटा जो भी है उसे. अब हम कैंटो वाइज अगर इसकी समरी डिस्कस करें फ्रेंड्स, सो ज्ञान एंड आर्थर एंड टीमियस, ये जो तीनों होते हैं, आर्थर और उसका जो स्क्वायर होता है टीमियस, वो एक एनकाउंटर करते हैं एक नाइट को. और वो जो नाइट होता है, ज्ञान जस्ट विद द नाइट एंड सून फॉल ऑफ हिज हॉर्स नाइट इज ब्रिटोमार्ट, बाद में उसको घोड़े से गिरा देता है ज्ञान को वो जो नाइट है. और बाद में पता चलता है जो वो रिकॉग्नाइज करते हैं वो नाइट कौन है? ब्रिटोमार्ट. एक्चुअल में ब्रिटोमार्ट जो अपने लवर को ढूंढने के लिए निकली है आर्टिकल को, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है. वो एक मतलब मेल की ड्रेस में है वो फीमेल लेकिन वो मेल की ड्रेसअप में है. तो उसको यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा बुक के अंदर कि लोग वाग उसको मेल समझेंगे. और वो अपने लवर के सर्च में है, हुज फेस शी शॉ इन वीनस लुकिंग ग्लास. फिर वहाँ पे ये सब होते हैं, ज्ञान होता है, ऑर्थर होता है, टीमियस होता है. वहीं पे ब्रिटोमार्ट जब पहुँचती है, बाद में पता चलता है कि ये ब्रिटोमार्ट है, ये जो नाइट है वो एक लेडी वहाँ से आती है भागती हुई. और बाद में पता चलता है कि फोस्टर जो है वो उसका पीछा कर रहा था. तो आर्थर और ज्ञान जो है वो तो उस वुमेन को मतलब बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई. और टीमियस जो है वो उस वुमेन के अटैकर के पीछे भागता है जो आर्थर का अटेंडेंट है. ब्रिटोमार्ट वहाँ पे क्या फाइंड आउट करती है कि वहाँ पे सिक्स वहाँ से निकल जाती है ब्रिटोमार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं. आर्थर और ज्ञान जो हैं ये दोनों नाइट्स जो हैं वो वुमेन के पीछे चले जाते हैं जो वहाँ पे भागती हुई आ रही थी, जिसको फोस्टर रेप करने की कोशिश कर रहा था. और टीमियस वहाँ पे वुमेन के अटैकर्स के पीछे चला जाता है. यहाँ पे ब्रिटोमार्ट इन सब पे ध्यान नहीं देती और वो अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू रखती है. और बाद में उसके उसके सामने सिक्स नाइट्स आते हैं एक नाइट पे अटैक करने के लिए. और बाद में पता चलता है जब वो उनके साथ फाइट करती है ब्रिटोमार्ट की, वो तीन जो अटैकर्स हैं उनको मतलब डिफीट करती है. यहाँ पे एक रेड क्रॉस जो है वो एक अटैकर को डिफीट करता है और बाकी के दो जो हैं वो खुद ही सरेंडर हो जाते हैं. तो यहाँ पे बाद में ब्रिटोमार्ट को पता चलता है कि ये जो नाइट है, ये जो अकेला को सिक्स नाइट्स ने घेर रखा था और इसके साथ फाइट कर रहे थे, वो रेड क्रॉस था. ब्रिटोमार्ट और जो रेड क्रॉस है फिर वहाँ से निकलकर एक कासल में जाते हैं जो कासल ऑफ जॉयस है. और उसकी मिस्ट्रेस जो हैं वो मेलिकास्टा हैं. और मेलिकास्टा के साथ में एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक ऐसी इविल क्रिएचर है जो भी नाइट उसके पास में शेल्टर के लिए आता है वो उसके साथ में सोती है. तो रेड क्रॉस जो उसका प्रपोजिशन है वो उसको रिजेक्ट कर देता है. और बाद में वो देखती है कि इसके साथ में जो ब्रिटोमार्ट है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब अच्छी लगती है उसको, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाती है मेलिकास्टा. बाद में मतलब उसको ये नहीं पता ब्रिटोमार्ट खुद एक लेडी है, मेलिकास्टा को ये बात नहीं पता है. रात को वो मेलिकास्टा के साथ में मतलब सोने के लिए जाती है, मेलिकास्टा जो है ब्रिटोमार्ट के पास में जाती है. और बाद में उसको पता चलता है कि ब्रिटोमार्ट तो एक वुमन है, मीन्स एक लेडी है. तो वो मतलब काफ़ी घबरा जाती है और क्राई करती है, मतलब चिल्लाती है और फेंट हो जाती है. और वहाँ पे जो उसके नाइट्स हैं वो आते हैं
और इस चक्कर में उसको वो वुंडेड भी हो जाती है जो ब्रिटोमार्ट है, और इसलिए रेड क्रॉस आता है ब्रिटोमार्ट को एड करता है और फिर वो दोनों कासल से निकल जाते हैं। कैंटो टू में जो है वो जब कासल से निकल जाते हैं रेड क्रॉस और ब्रिटोमार्ट और वो आगे चलते रहते हैं ट्रैवल करते रहते हैं, तो रेड क्रॉस ब्रिटोमार्ट से पूछता है कि वो मतलब यहाँ पे फेरी लैंड व्हाट इज़ द पर्पज़ इन फेरी लैंड। सो वो अपना दुख बताती है कि वो एक नाइट को ढूंढ रही है आर्टिगल नाम के पर्सन को। यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिगल भी है आर्थिकल भी है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्पेलिंग मिलती है इसकी। तो यहाँ पे वो सब कुछ बताती है, उसकी ये भी बताती है कि वो नाइट की थोड़ी सी बुराई भी करती है आर्टिकल की, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं इसकी बुराई करूँगी तो रेड क्रॉस इसके थोड़ी सी साइड लेगा जो उसे अच्छा लगेगा, बिकॉज सी लव्स हिम। तो यहाँ पे ब्रिटो मार्ट बताती है उसके फादर जो थे हैड ए मैजिक मिरर गिवन टू हिम बाई मर्लिन, जैसा कि मैंने बताया था मर्लिन ने उसको मैजिक मिरर दिया था। सिंस सींग आर्टिकल ब्रिटो मार्ट हैज़ बीन ग्रीविंग फॉर हर लव, अनेबल टू रेस्ट और कंसनट्रेट, हर नर्स ग्लॉस अटेम्प्टेड टू क्योर हर लव सिकनेस थ्रू मैजिक एंड पोशंस बट फेल्ड। यहाँ पे जब से उसने मैजिक मिरर में अपना फ्यूचर देखा था और फ्यूचर हस्बैंड आर्टिकल को देखा था, तब तब से ब्रिटो मार्ट को उससे लव हो गया था और वो कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो उसे मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसकी जो नर्स होती है ग्लॉस उसकी काफ़ी हेल्प करती है कि वो उसे भूल जाओ, मे बी ये सब कुछ वैसे ही हो मतलब रियल नहीं हो, लेकिन वो फेल हो जाती है ग्लॉस जो है, क्योंकि ब्रिटो मार्ट आर्टिकल को नहीं भुला पा रही है। कैंटो थ्री में क्या होता है कि ब्रिटो मार्ट की जो जर्नी है वो कंटिन्यू होती है और यहाँ पे ग्लॉस एंड ब्रिटो मार्ट कॉल्ड ऑन मर्लिन टू रिवर्स द स्पेल, क्योंकि यहाँ पे इतनी परेशान है ब्रिटो मार्ट और उसे आर्टिकल अगर नहीं मिला तो वो कहीं पे भी कुछ भी मतलब रेस्टलेस फील करती है वो। तो मर्लिन को बुलाते हैं कि मे बी कि ये इसको रिवर्स कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, लेकिन मर्लिन यहाँ पे रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? सैड द मैजिक मिरर शोज हेवनली पर्पज एंड ही एक्सप्लेन हाउ आर्टिकल एंड ब्रिटो मार्ट आर डेस्टिन टू मीट, कि ये सब कुछ तो हेवनली पर्पज है मतलब सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुका है और तुम ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है तुम्हारा साथ। मर्लिन एडवाइज ब्रिटो मार्ट टू गिव इन टू हर लव साइटिंग हर डेस्टिनी टू प्रोड्यूस अ लाइन ऑफ नोबल रूलर्स, एंड ब्रिटो मार्ट एंड ग्लॉस डिसाइड टू ड्रेस देमसेल्व एज नाइट एंड स्केयर टू सीक आर्टिकल इन फेरी लैंड। और इसी तरीके से उनकी यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कि उसके बाद में जब मर्लिन मना कर देता है कि ये तो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो ब्रिटो मार्ट और ग्लॉस जो उसकी नर्स है वो ड्रेस्ड करती हैं खुद को एज ए नाइट और वो निकल जाती हैं आर्टिकल की तलाश में फेरी लैंड में। आफ्टर द रेड क्रॉस नाइट हियर्स द स्टोरी ही एंड ब्रिटो मार्ट पार्ट एज फ्रेंड्स। एंड इन कैंटो फोर एज ब्रिटो मार्ट म्यूजिस ओवर हर सॉरी स्टेट द नाइट मैरिनल अराइव्स एंड दे डू बैटल। यहाँ पे मतलब अपनी जो दुख था वो दुखी थी काफ़ी सॉरी स्टेट में थी वो, और यहीं पे एक नाइट आता है मैरिनल ओके और वहाँ पे बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब मैरिनल के साथ में जो बैटल स्टार्ट, ये वही मैरिनल है फ्रेंड्स जो फ्लोरिमिल से मीन्स लव करता है। तो ब्रिटो मार्ट उसको वुंड कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मैरिनल जो है द वुंडन सॉरी वुंडेड मैरिनल गोज टू द मदर काइमोंट फॉर अ क्योर। यहाँ पे वो अपनी मदर के पास जाता है जो एक सी निम्फ है, और जो जैसा कि मैंने बताया था कैरेक्टर्स के टाइम पे जो मैरिनल है वो हाफ ह्यूमन है और हाफ निम्फ निम्फ है सी निम्फ, क्योंकि उसकी मदर जो है वो सी निम्फ है। इन द मीन टाइम वी लर्न दैट द वुमेन ऑर्थर एंड ग्योन परस्यूड इज फ्लोरमिल मैरिनर्स बिलव्ड। अब यहाँ पे जब वो पता चलता है कि आर्थर और ज्ञान को जिसके पीछे वो भाग रहे थे जो पर्सन था फोस्टर जो था वो एक्चुअल में फ्लोरिमिल थी जिससे मैरिनल लव करता है, कि मतलब जब बुक के कैंटो वन में जब स्टार्ट होती है तो आर्थर और ज्ञान थे वो एक लेडी के पीछे गए थे, तो वो फ्लोरिमिल थी। वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि इस बुक के अंदर बुक थ्री के अंदर मोस्ट ऑफ द पर्सन उसको लाइक करते हैं और उसको मतलब पाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैरिनल उस फ्लोरिमिल से लव करता है, लेकिन मैरिनल की मदर नहीं चाहती कि फ्लोरिमिल से मैरिनल शादी करे, क्योंकि
उसकी मदर कहती है कि मैरिनल अगर किसी लेडीज के चक्कर में पड़ेगा तो उसके लिए वो हार्मफुल है. सी स्टिल बींग परसुएडेड बाय द लस्टफुल रफियन हु इज इन टर्न बींग परसुएड बाय टीमियस. अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी पीछे पड़ा हुआ है उसके अभी भी मतलब फॉलो कर रहा है. व्हेन दे स्टॉप टू रेस्ट एट नाइट फॉल्स आर्थर स्लीप फिटफुली एंड विशेस फॉर हिज लव. अब यहाँ पे आर्थर जो है वो भी यहाँ पे स्लीप करता है रात के टाइम पे और अपने में सोचता है. एंड इन कैंटो 5 आर्थर लर्न्स दैट फ्लोरामिल इज सर्चिंग फॉर हर बिलव्ड मैरिनल. अब यहाँ पे आर्थर को ये चीज़ पता चल जाती है जब आर्थर फ्लोरामिल से मिलता है तो कि वो अपने बिलव्ड मैरिनल को ढूंढ रही है होम शी थिंक्स इज डेड. वो सोच रही थी कि वो मर चुका है. आर्थर सेट्स आउट टू फाइंड हर. अब यहाँ पे आर्थर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है. आर्थर वरीज अबाउट हिज स्क्वायर टीमियस हु वेंट टू परस्यू द फॉस्टर. और यहाँ पे आर्थर को एक और टेंशन है कि जो टीमियस था अटैकर्स के पीछे गया था फोस्टर के पीछे गया था वो किस हालत में होगा. और यहाँ पे सच में उसके साथ क्या होता है. टीमियस हैज कॉट अप विद फ्लोरामिल्स अटैकर्स एंड रिसीव ए डेंजरस वन टू द थाई. यहाँ पे मतलब अटैकर से वो लड़ाई करता है जीत तो जाता है लेकिन यहाँ पे उसके थाई के ऊपर एक डेंजरस वुंड आ जाता है घाव आ जाता है और वो फेंट हो जाता है क्योंकि उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है. यहाँ पे बेलफॉय भी जो है जो हंट्रेस है जिसको डायना ने पाला था वो टीमियस का उसको पता लगता है. टीमियस को देख लेती है और उसको हील करती है और उसके बाद में मतलब क्योंकि उसको हर्ब्स की काफ़ी नॉलेज है और इसलिए जो टीमियस है वो बेलफॉय बॉय को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि उसने उसका इलाज किया है और उसे लव भी करने लग जाता है. लेकिन बट ही फियर्स हिज लव शोज दिस लॉयल्टी टू इज सॉरी हर ऑनर. नाउ इन कैंटो 6 बेलफॉय बेस बैकग्राउंड इज डिस्क्राइब्ड. यहाँ पे ये बताया जाएगा कि बेलफॉय बे एक्चुअल में मतलब जो एमोरेट की बहन है उसकी मदर कौन थी किस तरीके से वो एक हंट्रेस बनी है मतलब क्यों वो फॉरेस्ट में रहती है. क्योंकि सी इज द डॉटर ऑफ क्राइसोगोने ए फेरी मेड. ये क्राइसोगोने की बेटी है और उसकी जो मदर थी वो एक मतलब एक बार मतलब बाहर लेटी हुई थी स्लिप्ड आउटसाइड ऑन द सी शोर और उस टाइम पे एक सनलाइट की बीम से वो इम्प्रेगनेंट हो गई थी और उस बाद में उसने मतलब उसके मतलब वोम में दो बेटियां थी टू सिस्टर्स थी एमोरिटा एंड बेलफॉय बे. तो वो जो थी क्राइसोगोने वो स्लीपिंग व्हेन शी गिव बर्थ टू दीज टू डॉटर्स. तो उस टाइम पे क्या हुआ था ऑन द सेम टाइम वन डे वीनस केम इन टू द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर हर रन अवे सन क्यूपिड. वो जो उसका बेटा होता है वीनस का वो भाग जाता है उसको ढूंढने के चक्कर में वो फॉरेस्ट में आती है और वो देख लेती है कि किस तरीके से एक मदर ने इन दो ट्विंस डॉटर्स को जन्म दिया है. और वीनस वेंट टू द गॉडेस डायना इन द वुड्स ऑफ फॉर एड टू गॉडेस फाउंड क्राइसोगोनेस ट्विन गर्ल्स बिसाइड देयर स्लीपिंग मदर. यहाँ पे उसको ढूंढने के चक्कर में वो डायना की हेल्प लेती है जो वुड्स की गॉडेस है और वो उसके मतलब हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है डायना की. लेकिन यहाँ पे एक और शर्त होती है जब वो उसको देखते हैं तो वो डिसाइड करती हैं डायना जो है वो तो बेलफॉय बे को ले लेगी और वो वीनस को कहती है कि तुम टुक चार्ज ऑफ एमोरिटा. एंड बेलफॉय बे वॉज रेड टू बी हंट्रस. बेलफॉय बे जो है वो वुड्स में रहेगी तो ऑफकोर्स हंट्रस बन गई वो और एमोरिटा जो थी वो रहती थी गार्डन ऑफ एडोनिस में. और जब उसकी एज हुई जब वो यंग हुई तो उस वो जो नाइट थी था स्क्रूडामोर उसे करने लग गई. तो ये इनका बैकग्राउंड था. कैंटो 7 में फ्लोरामिल जो है वो मतलब अपने घोड़े पे जा रही है जब तक हर हॉर्स इज एग्जॉस्टेड तब तक वो उसके ऊपर राइड करके चलती रहती है. अब वो एक शेल्टर ढूंढती है और वो शेल्टर जो होता है वो एक विच का होता है. वो जो विच होती है विग्ड विच उसका एक लेजी सन भी होता है वो फ्लोरामिल के लव
उससे लव करने लग जाता है और उसको गिफ्ट वगैरह देके वू करने की कोशिश करता है। फ्लोरोमिल जो थी उसको मतलब ग्रोस कंसर्न्ड कि ये जो माँ बेटे हैं इनसे मुझे कुछ हार्म हो सकता है, तो वो घर, वो जो उनका शेल्टर था वो छोड़ने के लिए डिसाइड करती है और वो अर्ली मॉर्निंग में निकल जाती है। अब जो उसका बेटा था, विच का बेटा था, उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो मतलब उसे लव करता था और उसके बिना नहीं रह सकता था। एंगर दैट हर सन रिमेन्स इम्पेशेंट, द विच सेंड ए बीस्ट टू किल फ्लोरमिल बट शी एस्केप्स। यहाँ पे जब वो छोड़ के चली जाती है तो वो जो विच होती है वो अपने बीस्ट को भेजती है कि तुम फ्लोरमिल को मारो, पकड़ के लेके आओ, कैसे भी करो उसको वापस लेके आओ। लेकिन यहाँ पे जो थी फ्लोरमिल वो भाग जाती है, लेकिन उसका जो घोड़ा है वो वहीं रह जाता है। मीनवाइल द जायंटस अर्गांटा अटेम्प्ट्स टू कैप्चर द स्क्वायर ऑफ डैम बट द नाइट पैलाडाइन ड्राइव्स हर अवे। यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है, इसी टाइम पे एक जायंटस होती है, एक विशाल का इविल पावर होती है अर्गांटा नाम की, उसने स्क्वायर ऑफ डेम्स को पकड़ लिया था जिसको, बट द नाइट पैलाडाइन ड्राइव्स हर अवे, उसको छुड़ा लिया जाता है पैलाडाइन के थ्रू। अब कैंटो 8 में क्या होता है, जो विच है जिसका मतलब बेटा फ्लोरमिल से प्यार करने लग जाता है, वो क्या करती है कि अपने बेटे का लस्ट को ख़त्म करने के लिए एक फॉल्स क्रिएचर बनाती है, एकदम लाइफ लाइक मॉडल बनाती है फ्लोरमिल का, स्नो, गोल्डन वायर्स, अदर मटेरियल्स, और उसमें जान डालती है कि वो बिल्कुल फ्लोरमिल जैसी लगती है, लेकिन वो फ्लोरमिल नहीं होती, वो फ्लोरमिल की मतलब फॉल्स कॉपी होती है, वो फॉल्स फ्लोरमिल है। यहाँ पे उसको हम फॉल्स फ्लोरमिल कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो नाइट ब्रैगडोचियो था, जो हमने पहले भी बुक प्रीवियस बुक्स में जिक्र किया था इसका, तो जो ब्रैगडोचियो है और उसका जो स्केयर था ट्रम्पार्ट, वो दोनों क्या करते हैं, वो जो फॉल्स फ्लोरमिल है उसको चुरा लेते हैं। मतलब वो उनको इतनी सुंदर लगती है कि वो लेकर आती है, वो जो मॉडल बनाती है अपने बेटे के लिए, तो वो बाहर से ही वो उठा के ले जाते हैं ब्रैगडोचियो और ट्रम्पार्ट। और यहाँ पे क्या होता है, एक और नाइट के थ्रू मतलब उनसे भी एक नाइट उनसे चुरा लेता है, मतलब ब्रैगडोचियो और ट्रम्पार्ट भी अब बिना फ्लोरमिल के रह जाते हैं। एक्चुअल में तो वो एक्चुअल फ्लोरमिल थी ही नहीं, क्योंकि जो रियल फ्लोरमिल थी वो तो अपनी जो फ्लाइट थी, मतलब अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट रख रही थी और वो वाटर को क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे फिर वो किसके द्वारा पकड़ ली जाती है, लस्टफुल सेलर के थ्रू। अब वो बहुत प्रॉब्लम में होती है, वो खुद के लिए मदद मांगती है, तो यहाँ पे जो सी गॉड है प्रोटियस वो उसकी हेल्प करता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि प्रोटियस तो सेलर से भी ज़्यादा हार्मफुल साबित होगा, प्रूव्स टू बी अ ग्रेटर डेंजर, बिकॉज कि वो फ्लोरमिल को मतलब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे लव करता है, तो वो लेकिन वो उसको रिफ्यूज़ कर देती है, फ्लोरमिल है वो, क्योंकि वो तो मैरिनल से लव करती है, तो उसको रिफ्यूज़ करती है, तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में वो क्या करता है, जो सी गॉड है प्रोटियस वो उसको एक कोठरी में फेंक देता है, डंजन में। सटायरन और जो स्क्वायर ऑफ डीम्स थे वो पेरिडल से मिलते हैं, हिमसेल्फ इन परस्यूट ऑफ फ्लोरमिल, वो भी फ्लोरमिल को ढूंढ रहे हैं। दे फाइंड ए कासल वेयर दे कैन स्पेंड द नाइट, और एक कासल ढूंढते हैं रात को बिताने के लिए। अब कैंटो 9 में जो स्टायरन है और स्क्वायर ऑफ डीम्स है, पेरिडल है, ये सारे साथ में हैं, ये मेलबैको के कासल में आते हैं, बट मेलबैको जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं तुम्हें एंट्री नहीं दे रहा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, सटायरन द स्केयर ऑफ डेम्स एंड पेरिडल, अब ये तीनों जब आते हैं ये बिल्कुल मना कर देता है मेलबैको की एक यंग वाइफ है हेलेनोर नाम की, और वो काफ़ी पॉजिटिव है मेलबैको उसके लिए क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। और तो लेकिन यहाँ पे इन द सेम टाइम वहीं पे शेल्टर लेने के लिए ब्रिटोमार्ट भी आ जाती है और ब्रिटोमार्ट की पेरिडल से लड़ाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बीच में स्टायरन आ जाते हैं और उसको उस कॉन्फ्लिक्ट को शांत करता है और उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है, वो सारे साथ में बैठते हैं। दे प्लॉट टुगेदर टू बर्न द मेलबैकोस कासल, यहाँ पे मेलबैको उनको एंट्री नहीं दे रहा था इसलिए उनके कासल को जलाने के लिए सोच रहे थे, बट मेलबैको ये सब कुछ समझ जाता है कि ये क्या सोच रहे हैं, तो उस
थ्रेट के मारे, उस डर के मारे वो क्या करता है, उनको अंदर आने देता है, अपने शेल्टर प्रोवाइड करता है इन सबको। और फिर वो रात को सब डिनर करते हैं। डिनर में जो पैरेडल है वो हेलेनोर का अटेंशन पाने की कोशिश करता है, मतलब मील के टाइम पे। और बाद में जब वो सारे नाइट्स जो हैं वो अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, तो यहाँ पे पैरेडल जो है वो भी अपनी स्टोरी बता रहा है, और उस टाइम पे हेलेनोर उसको ईगरली देख रही है, सुन रही है बहुत ध्यान से। मीन्स यहाँ पे इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, पैरेडल एंड हेलेनोर में। कैंटो 10 में क्या होता है, ब्रिटोमार्ट और सटायरन जो है वो तो निकल जाते हैं स्केयर ऑफ डैम्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे पैरेडल क्या करता है कि बहाना बनाता है कि मुझे तो बहुत मतलब थकावट हो रही है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो पैरेडल क्या है वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि उसका कुछ और प्लान होता है। एक्चुअली वो हेलेनोर के साथ में भागना चाहता था, मीन्स हेलेनोर को लेके जाना चाहता था। तो हेलेनोर क्या करती है, रेडी हो जाती है, और हेलेनोर अपने जो हस्बैंड था मेलबैक को उसके मनी चुराती है, और जो बाकी के जो थे वो उनको जला देती है, बाकी की मनी को। और यहाँ पे वो भागने की तैयारी में होती पैरेडल से, और वो चिल्लाती है मेलबैक को आवाज़ लगाती है कि उसको उसके पैसों से प्यार है या उसकी वाइफ से प्यार है, वो किसको बचाना चाहता है। तो मेलबैको को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर बाद में उसको समझ में आता है। वो कोशिश करता है कि वो हेलेनोर को रोके, लेकिन हेलेनोर जो है वो जा चुकी थी। बाद में मेलबैक को इस प्रॉब्लम के साथ में जब निकलता है उसको ढूंढने के लिए अपनी वाइफ हेलेनोर को, तो उसको ब्रैकडोचो और ट्रम्पार्ट मिलते हैं। और ब्रैकडोचो और ट्रम्पार्ट हैं वो मेलबैको को कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी वाइफ को फाइंड आउट करने में, हेलेनोर को फाइंड आउट करने में। लेकिन बाद में पता चलता है कि ब्रैकडोचो और ट्रम्पार्ट तो खुद प्लान कर रहे थे, मतलब कि उसके पास पैसा देख लेते हैं मेलबैको के पास में, तो वो कहते हैं कि मतलब अपना पैसा हमारे पास छोड़ दो, या फिर किसी ग्राउंड में कहीं पे उसको छुपा दो ताकि हम बाद में चोरी कर लेंगे, कि मेलबैको जैसे अपना पैसा छोड़ के जाएगा वैसे ही हम इसे चोरी कर लेंगे। बाद में जब वो सारे साथ में जाते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं ब्रैकडोचो और ट्रम्पार्ट मेलबैको की, बाद में देखते हैं कि पैरेडल तो वहाँ पे अकेला है, पैरेडल को ढूंढ लेते हैं। बाद में पैरेडल ये बताता है कि हेलेनोर मेरे साथ भागी ज़रूर थी, लेकिन वो बाद में मुझे छोड़ के चली गई सटायर की वजह से। तो यहाँ पे मीन्स हेलेनोर स्टायर्स के पास में है, तो ट्रम्पार्ट यहाँ पे उसको पैसे छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है मेलबैको को, और वहाँ पे वो बैग छोड़ के चला जाता है मेलबैको, और वहाँ पे रात को उसको ढूंढता है हेलेनोर को, और हेलेनोर मिल भी जाती है। वो फॉरेस्ट में इंजॉय कर रही होती है सटायर्स के साथ में, और बाद में उसको काफ़ी कन्विंस करता है मेलबैको हेलेनोर को कि तुम मेरे साथ चलो वापस आ जाओ, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देती है। और इस वजह से जो मेलबैको था वो ड्राइवन मैड विद जेलसी, एंड मेलबैको रन्स अनटिल हिज बॉडी वेस्ट। सो इस तरीके से मतलब काफ़ी उसके साथ गलत होता है मेलबैको के साथ में, काफ़ी वो दुखी होता है। और यहाँ पे कैंटो 11 में मेलबैको का कासल छोड़ दिया है ब्रिटोमार्ट और सटायरन ने जैसा कि मैंने बताया था। और जब वो आगे चलते हैं जो उनके साथ में क्या होता है कि एक जायंट मिलता है ओलिफेंट नाम का, जैसा कि मैंने बताया था कैरेक्टर्स के टाइम में ये अर्गांटा का भाई है, अर्गांटा खुद भी एक जायंट है, और वो चला जाता है, ओलिफेंट जो है वो भाग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ब्रिटोमार्ट जो है वो चेस्टिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मीन्स प्योर है और शी हैज़ पावर बिकॉज ऑफ इट। तो वो डर के मारे भाग जाता है। ब्रिटोमार्ट और स्टायरन जो है वो परस्यू करते हैं जायंट एंड सेपरेटेड इन द फॉरेस्ट, वो उसको मतलब पीछा करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रिटोमार्ट और सटायरन अलग अलग हो जाते हैं। ब्रिटोमार्ट को बाद में क्या मिलता है, स्कूडामोर मिलता है, एंड ही बिमोनिंग हिज इनएबिलिटी टू रेस्क्यू हिज बिलव्ड एमोरेटा। यहाँ पे पता चलता है कि जो एमोरेटा जिसे स्कूडामोर से लव करती थी वो स्कूडामोर ब्रिटोमार्ट को मिलता है, और वो बताता है कि जो अमोरिटा है उसको एक विजार्ड ब्यूसीरेन ने पकड़ लिया है, और मैं उसको मतलब नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। तो वो जो है ब्रिटोमार्ट उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, किसकी, स्कूडामोर की। तो वो उसने कासल में जाते हैं, ब्यूसीरेन के कासल में जाते हैं, और जो ब्यूसीरेन का जो कासल होता है उसमें चारों तरफ फ्लेम्स होती हैं, आग लगी हुई होती है,
और प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटो मार जो है वो उस आग से आराम से निकल जाती है, लेकिन स्कूडा मोर नहीं जा पाता क्योंकि स्कूडा मोर को उस आग की वजह से मतलब एंट्री नहीं मिलती है, उसको जो फ्लेम्स थी वो बैक फोर्स करती हैं। ब्रिटो मार जो है वो ऑब्जर्व करती है कि जो कासल है वो टेप्स स्टाइरिस से मतलब काफ़ी डेकोरेटेड है, जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ क्यूपिड मतलब उसको शो कर रही हैं, और ये सब देखते हुए वो अलग अलग मतलब वहाँ पे स्लोगन्स देखती है, काफ़ी टेप्स्ट्रीज देखती है कि उनसे काफ़ी सजा धजा है ये जो कासल जो है, और ये सब देखते हुए वो वहाँ पे सो जाती है। कैंटो 12 जो है वो हियर इट इज़ द लास्ट कैंटो ऑफ दिस बुक, एंड यहाँ पे एक ट्रम्पेट बजता है जिसकी वजह से ब्रिटोमार्ट की आँख खुलती है और वो देखती है कि वहाँ से एक प्रोसेसन जा रहा है। किस तरीके से सबसे पहले क्यूपिड आता है, क्यूपिड जो है वो मतलब किसको रिप्रेजेंट फॉलो कर रहा है यहाँ पे, फैंसी, डिज़ायर, होप, डाउट, इस तरीके से। बाद में वहाँ से कौन पास होती है, एमोरेटा, जो खुद का ही जो हार्ट है हार्ट बीट करता हुआ ट्रे में, एक सिल्वर ट्रे में रख के लेके जा रही है। फिर उसने ये पोसेसन देखा और फिर नेक्स्ट मतलब वो जाने की कोशिश करती है बाहर निकलने की कि ये पोसेसन कहाँ जा रहा है प्रोसेसन, लेकिन वो देख नहीं पाती है। नेक्स्ट नाइट ब्रिटो मार्ट के साथ में फिर वही होता है, फिर वो प्रोसेसन देखती है और इस टाइम पे वो उनको फॉलो करती है और वो कहाँ पहुँच जाती है, ब्यूशीरेन के चैम्बर तक, और वहाँ पे देखते हैं ब्यूशीरेन कुछ चैंट कर रहा है, मतलब कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहा है और कुछ लिख भी रहा है अमोरेटा के ब्लड से। तो यहाँ पे ब्रिटोमार्ट जो है वो मतलब अटैक कर देती है ब्यूशीरेन पे अमोरेटा को बचाने के लिए, लेकिन उसको मारने ही वाली होती है कि एमोरेटा उसको बचा लेती है। एमोरेटा कहती है ब्रिटो मार्ट से कि तुम इसे मत मारो, बिकॉज शी नीड्स ब्यूशीरेन टू रिवर्स हिज इंचेंटमेंट्स, कि जो इसने जादू मंत्र किया है इसको वापस भी रिवर्स भी तो करना है, तो इसको जान से मत मारो। ब्यूशीरेन डज सो, वो सारे इंचेंटमेंट्स को रिवर्स कर देता है और यहाँ पे ब्रिटो मार्ट जो है वो एमोरेटा को बाहर ले आती है, स्कूडा मोर से मिलाती है और वो दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे ब्रिटो मार्ट का खुद का भी प्यार उसे याद आता है आर्टिकल के लिए, और वो फिर से इस जर्नी को स्टार्ट कर देती, कंटिन्यू कर देती है आर्टिकल को ढूंढने के लिए। ही मीन्स अभी तक इस बुक में उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक उसको अपना लव आर्टिकल नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट द बुक 3 विच इज़ बेस्ड ऑन द वर्च्यू चेस्टिटी, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन एंड पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। सो